हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं 6 फेमस पाकिस्तानी सॉन्ग्स विच वर कॉपीड बाय बॉलीवुड। और ये वीडियो है साबी सुमेर के तरफ से। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा। इस चैनल का बहुत रिकमेंडेशन आया कि आप लोग चेकआउट करो कि बॉलीवुड में जो एक एक पॉपुलर सॉन्ग्स है एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है, उसको बहुत ही हेवीली इंस्पायर्ड बोल सकते हैं या फिर कॉपीड बोल सकते हैं। तो देखते हैं। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम। अच्छा, ये कॉपी है। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम। मेरे को समझ में नहीं आता, एटलीस्ट वर्ड्स तो चेंज करो, ट्यून चुराना है तो चुराओ, लेकिन एटलीस्ट सेम टू सेम लिरिक्स के सिंगर भी सेम ही है, मुझे ऐसा लगा। अभी पता चलेगा, देखता क्या। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आकर इतनी बार कहा कि आपने छापा फैक्ट्री यानी कि बॉलीवुड को एक्सपोज करना क्यों छोड़ दिया। तो मैंने कहा भाई, इतनी बार उनको एक्सपोज किया, वो सुधर गए हैं, लेकिन 2023 के आते ही एक बार फिर से इतनी बड़ी गलती की कि मैंने कहा भाई अब तो बनता है, अब तो बनता है इनको एक्सपोज करना। 2023 में एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर, जिनको ना सिर्फ पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी बल्कि गोरे तक सुना करते थे, जहां भी बाहर कहीं उनका कॉन्सर्ट होता था तो गोरे आकर उनका कॉन्सर्ट सुनते थे और दीवाने पागल हो जाते थे। आखिर उनमें कोई तो खास बात है। नुसरत फतेह अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने 1989 में गाना एक गाया था जिसको अब कॉपी किया गया है। गाना था काली काली जुल्फों आकाश और मेरा फेवरेट काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। इस गाने को पिछली 3 दहाइयों से कई सिंगर्स ने गाया, कई बार कॉपी किया गया अपनी आवाज में पेश करके। किसी ने उनको क्रेडिट दिया खान साहब को और किसी ने नहीं दिया। और फिर 2023 आया और टी सीरीज और इनके लाडले सिंगर जुब्बन नौटियाल ने सेम टू सेम छाप कर दुनिया के सामने पेश कर दिया। आकाश को बिल्कुल नहीं पसंद। एक्चुअली सच बोलू ना तो मुझे जो ओरिजिनल है ना वो मुझे ओरिजिनल में ही सुनना अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे याद है, ये थोड़े टाइम पहले के कुछ मंथ्स या एक साल भी हो गया रहेगा, हम लोग गाना सुन रहे थे और मैंने सजेस्ट किया ये लगाता है काली काली जुल्फों, तो इसने सर्च किया और चालू किया और जुबिन का ही था क्या और किसी और के सिंगर के तरफ से था, तो इसने इमीडिएटली बंद कर दिया, बोला ओरिजिनल ढूंढने लगा। मैं नहीं, मुझे एक्चुअली जो जिसने गाया है ना, लाइक अरिजीत सिंह अपने गाने खुद गाता है ना, तो मुझे सुनना पसंद है ना कि अरिजीत सिंह दूसरे किसी के गा रहा है। ऐसा थोड़ा वियर्ड फीलिंग आता है कि क्या है, मतलब ये जो जिसने गाया है ठीक है ना, तुम गाते हो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्यों, मेरे को नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। जुबिन वैसे काफी इसके लिए जाना जाता है कि वो दूसरों के सॉन्ग्स काफी गाता है, तो अच्छा सिंगर जुबिन ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन नहीं पसंद है मुझे, लेकिन बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था ये वाला, तो बिल्कुल नहीं सूट कर रहा नहीं, पूरा फीलिंग ही चला जाता है। ओरिजिनल का जो फीलिंग है, जो वो हारमोनियम, तबला, फिर जो क्लैप कर रहे हैं। इस गाने की मेरी सबसे फेवरेट लाइन, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। न छेड़ो हमें हम सताए हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। इस गाने को 1960 में पाकिस्तान की मशहूर सिंगर नसीम बेगम ने गाया था और इसको फिल्म सहेली के लिए बनाया गया था और पिक्चराइज किया गया था शमी मारा पर। और फिर इस गाने की इतनी शोहरत के बाद बॉलीवुड वाले पीछे ना रह सके और 1989 में लता जी से गवा कर फिल्म सौतन की बेटी में पेश किया गया और इस गाने को रेखा जी पर पिक्चराइज किया गया। हाय रेखा जी। लता मंगेशकर की आवाज को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे, उनकी वॉइस नेक्स्ट लेवल है। वो बोलते ना इंडिया का नाइटिंगेल बोला जाता है, तो वो नहीं बोल रहा, लेकिन
मुझे जब भी मैं इमेजिन करता हूँ कि बॉलीवुड कॉपी करता है, हर किसी को पता है, खाली पाकिस्तानी स्टफ नहीं, हमारे यहाँ पर बॉलीवुड को इसके लिए भी जाना जाता है कि हर मूवी का स्क्रिप्ट साउथ से उठा के लेके आ जाता है। एक तो रीमेक होता है या कॉपी होता है या हॉलीवुड का कॉपी करता है, पाकिस्तान का कॉपी करता है, तो बॉलीवुड जाना जाता है स्क्रिप्ट कॉपी करना हो या गाने के लिए। लेकिन मैं जब भी कॉपी करने का इमेजिन करता हूँ, मैं मॉडर्न बॉलीवुड को इमेजिन करता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि पुराने टाइम में भी बॉलीवुड कॉपी ही करती थी। वो तो है। क्योंकि तब के सॉन्ग्स और तब के मूवीज को हम लोग क्लासिक मानते हैं, वो भी कॉपीड थे, वो सोच के थोड़ा अजीब लगता है मुझे। जदों होली जई लैना है मेरा ना, इस गाने को 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म खुदा द वैर में पेश किया गया। ये एक लाजवाल गीत था जिसको मैडम नूर जहां ने गाया। इस गाने की धुन को लता जी ने कॉपी करके 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म मॉम की गुड़िया में दो साल में कॉपी कर दिया। ओरिजिनल से बेहतर कॉपी लग रहा है, सच बोलूं। ये क्वालिटी की वजह से, क्योंकि सिंगर तो वो भी लेजेंडरी है। ये ऑडियो क्वालिटी इसमें खराब है इसका। और थोड़ा वर्ड्स थोड़ा चेंज किया है इसमें, तो ये थोड़ा ये पंजाबी टाइप में था। हाँ, एटलीस्ट कुछ तो चेंज किया, उसके लिए मैं थोड़ा रेस्पेक्ट दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली कॉपी नहीं करना चाहिए। इंस्पिरेशन लेना ठीक है, लेकिन जब आप पूरा ही अगर पूरा ही ट्यून चुरा लो या पूरा ही लिरिक्स भी चुरा लो, तो उसको रेस्पेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। नल लालियां आंखा, इस गाने को 70 की दिहाई में पाकिस्तानी लेजेंडरी सिंगर रेशमा जी ने गाया था। वे मैं चोरी चोरी तेरे नल लालियां आंखा, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी। इस गाने की धुन को 1991 में फिल्म लेकिन में पेश किया गया और इस गाने को भी लता जी ने गाया। लता जी ने चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी। वैसे आगे चलते हैं और भी गाने आपको बताते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि काफी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई, तो बॉलीवुड वाले तो सोच रहे होंगे शुक्र है कि मार खप गया होगा, हमारी जान छूटी। ना 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 ना, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एक्सपोज करता रहूंगा, और यकीनन एक दिन आप कहेंगे सुमेर जी साड़ी जान छोड़ दियो। गाना है तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया। ये खूबसूरत गाना मेहदी हसन साहब ने 1983 में रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म दहलीज के लिए गाया और इस गाने को शबनम और नदीम पर पिक्चराइज किया गया। और फिर सिर्फ दो साल बाद यानी 1985 में इस गाने को फिल्म ऊंचे लोग में पेश किया गया और इस गाने को गाया किशोर कमाल ने और पिक्चराइज किया गया सलमा आगा और राजेश खन्ना पर। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा। ये तो टोटल कॉपी है, वो तो ये तो वर्ड्स भी, लेकिन दोनों के आवाज बहुत अच्छा है, किशोर दा के भी और ये कौन से सिंगर है उनका नाम नहीं पता। अब सलमा आगा जी का नाम सामने आ ही गया तो मैं आपको बताता चलूं कि सलमा आगा पाकिस्तानी हीरोइन थी, पाकिस्तान में रहा करती थी और पाकिस्तान से ही उन्होंने इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ गवाया। और आपको एक और बात बताऊं, जावेद शेख जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के वालिद का किरदार अदा किया था। जावेद शेख पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर हैं और इन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। सलमा आगा इनकी वाइफ रह चुकी हैं और इन दोनों ने कई साल पाकिस्तान में गुजारे और उसके बाद जब सलमा आगा हिंदुस्तान चली गई तो वहां जाने के बाद वो पाकिस्तान की बुराइयां करने लग गई और पाकिस्तान को बुरा भला कहने लग गई, सिर्फ इसलिए कि वहां की उनको नेशनैलिटी मिल जाए और उनकी बेटी को बॉलीवुड में काम मिल जाए। लेकिन देखें बात यह है कि पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तानी अपने मुल्क से किसी और मुल्क में चले जाए, दुनिया में ये रिवाज चलता आ रहा है कि कोई पाकिस्तान से इंग्लैंड चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, हिंदुस्तान चला जाता है, हिंदुस्तानी कहीं चले जाते हैं। इसका मतलब
ये नहीं है कि वहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए आप अपने मुल्क को बुरा भला कहने लग जाएं। खैर, सलमा आगा की बात आ गई तो मैंने कहा आपको बताता चलूं कि सलमा आगा इंडियन नहीं बल्कि पाकिस्तानी थी और पाकिस्तान से वहाँ जाने के बाद कहने लगी कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। खैर, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से बॉलीवुड भाई इतने गाने बॉलीवुड छापा फैक्ट्री के, अगर मैं इसको एक्सपोज करने पर लग जाऊं और इतनी वीडियोस बनाऊं कि मैं खुद बुड्ढा हो जाऊं, मेरे हाथ में खुंडी आ जाए और मैं उस वक्त बोल सब्सक्राइब कर दे भाई, वैसे जाके सब्सक्राइब कर दो, ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। अगेन चैनल का नाम बोल देता हूँ, सभी सुमेर। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए स्पेशली कि ओल्डर टाइम्स में भी बॉलीवुड कॉपी करती थी, क्योंकि अभी का जो नैरेटिव चल रहा है। एक्चुअली एक बात बोलूँ भैया, देखो मुझे एक्चुअली किसी का कॉपी सुनना पसंद नहीं है, लेकिन वो टाइम का जो बॉलीवुड जो कॉपी किया है तो वो टाइम पे कैसा म्यूजिक भी सेम होता था, एटलीस्ट जब कॉपी करते थे तो। अभी देख जैसे वो जो किशोर दा ने गाया है गाना, तो अपना ना बनाया। वो गाने में मेरे को ऐसा लिरिक्स भी ज़्यादा सेम लगा और जो वॉइस था वो भी काफ़ी अच्छा था, म्यूजिक भी जो पीछे चल रहा था वो भी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक नहीं अच्छा लगा जो जुबिन क्या नाम है नोटियाल जो गाया है काली काली जुल्फ, वो ना म्यूजिक मैच हो रहा है ना वो, चलो गा लिया चलो, लेकिन एटलीस्ट म्यूजिक तो मैच करो। एक तो म्यूजिक पूरा डीजे वाला डचिंग वो वाइब को ही पूरा खत्म कर दिया, वाइब है ही नहीं उसमें। सीरियसली बोलो ना, वो वाइब कोई मतलब, मैं तो ऐसा सुनू भी ना तो मेरे ना कान फटने, मेरे को नहीं अच्छा लगता रे जो। हाँ, अगर कॉपी किया तो एटलीस्ट थोड़ा अच्छे से अच्छा, अगर वो हारमोनियम या तबला पे गाया रहता था ना तो मेरे को सुनने को अच्छा लगता, चलो एक बार मैं सुन भी लेता था। और हम लोग जो सुनते हैं वो फुल वर्जन होता है, वो कितना लंबा है, आई थिंक 10 मिनट के भी ऊपर है, वो 12 मिनट का कुछ है, तो हम लोग पूरा लॉन्ग वर्जन सुनते हैं, तो जो लोग वो सुनते हैं उनके उनके लिए तो ये सुनना नामुमकिन है। मैं वैसे इनको ब्लेम नहीं करूंगा, लता मंगेशकर हो या फिर इवन ये अरिजीत सिंह ने जो पसूरी भी गाया ना, मुझे वो भी नहीं पसंद आया। हाँ, मतलब अच्छा आवाज है, अच्छा म्यूजिक भी सेम है। हाँ, पसूरी का वो जो रॉ थोड़ा था वो पूरा रॉनेस खत्म हो गया, तो वो मजा नहीं आया, मतलब कुछ अलग सा ही। लेकिन पॉइंट ये था कि मैं सिंगर्स को ब्लेम करने से ज्यादा ये जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है और मूवी के प्रोड्यूसर्स है उनको ब्लेम करूंगा। हाँ। उन्होंने लेके आके दिया होगा ना सिंगर्स को, ये जाके सिंग करो। हम लोग सिंगर्स को ब्लेम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, बट थोड़ा क्रिएटिविटी आई होप कि ज़्यादा हो। अभी मुझे बॉलीवुड में एक और चीज़ गलत लग रहा कि ज़्यादा जो हिट हो रहा है ना सब मूवीज़ एक्शन मूवीज़ ही है। हाँ, एक्शन मूवीज़ है और उसमें कोई स्पाई होता है, कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होता है, थोड़ा वैरायटी। आई होप ये डंकी जो मूवी आया वो थोड़ा कुछ चेंज करे, क्योंकि कॉमेडी मूवीज़ बहुत कम हो चुके हैं। अभी जो भी आ रहा है अगेन अगेन रिपीट फॉर्मूला, फिर हेरा फेरी 3 आएगा, वो इंडिया का बिगेस्ट बॉलीवुड का बिगेस्ट हिट होगा होपफुली, लेकिन होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा अभी मुझे ऐसा थोड़ा बोर होने लगा है कि सिमिलर स्टोरीज ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो आई होप थोड़ा वैरायटी लेके आएंगे लोग एंड थोड़ा ओरिजिनलिटी पे भी फोकस करेंगे, करना चाहिए। तो या बट दिस वाज अ ग्रेट वीडियो, मज़ा आया एंड थोड़ा बुरा भी लगा। ऐसे वीडियोस में मैं बहुत क्रिंज कर रहा रहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं मनाऊंगा क्योंकि जो है सो है। हाँ, है वो ठीक है, बात तो सही है, आकाश जो बोल रहा है, लेकिन थोड़ा बुरा लगता है यार, कम ऑन थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा देते। बढ़िया, फन वीडियो था, मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।